Yes. Hello students, good evening to all. आज हम लोग जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है 2019 का पेपर है, और जो कल हमने पेपर डिस्कस किया था ना स्टूडेंट्स, वो 2020 वाला था। बाय मिस्टेक हम लोगों से 2018 हो गया था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर आपने थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, उसका हम लोग जो पोस्टर है उसको करेक्ट कर देंगे। वो आज माइंड में थोड़ा सा हमारे को आया कि वो 2020 का पेपर था, आप शायद देख रहे होंगे 2018 के क्वेश्चंस को। चलिए तो जल्दी जल्दी से अभी आप सारे अपने फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं आप सभी में क्या कर दीजिए, वीडियो को फास्ट जल्दी से सेंड कर दीजिए, और हमारे पास भी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें भी हम वीडियो को सेंड कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको हेल्प हो पा रही है नहीं हो पा रही है पहले तो ये बता दीजिए। दिव्या भारती गुड इवनिंग, आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा है इन क्लासेस से, अगर हेल्प हो रहा है तो बताइए, उस चीज़ को हम लोग फिर कंटिन्यू रखेंगे। गुड इवनिंग चंदन कुमार, वेरी गुड। सोनी कुमारी वेरी गुड वेरी गुड। बस ये सारी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल हो जाएगा, जहाँ तक हमको लगता है होना चाहिए वैसे तो। बालक शर्मा चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वाह वेरी गुड, आज तो बहुत जल्दी सारे बच्चे आ गए हैं। जल्दी जल्दी से आप आंसर का क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। पहला वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और चंदन कुमार कल आपका एक था कि 2018 के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए जो 18 19 20 के उसके हम सारे क्वेश्चन आपको सेंड कर दे रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है ना। और जो आपको लगता है, जो आपको लगता है आपके पास है, तो आपके पास तो हमारा नंबर है ही है, आप सेंड कर दीजिए तो हम लोग आपको उसमें पूरा हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एक बार भेज तो दीजिए ना हमको क्वेश्चंस। पवन कुमार वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन क्या है आज, शुरू से आप लोग ज्यादा बच्चे आ गए हैं। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टीमेट। अगर आपको कोई भी डिटेल एस्टीमेट बनाना है तो आप कौन कौन से पॉइंट्स को रखते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना कि यहाँ से हमारे को 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाएगा। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। और जो मैंने आपको कल फर्स्ट एक क्वेश्चन कराया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, जिसमें प्रीलिमिनरी एस्टीमेट और डिटेल एस्टीमेट था, हर बार वहां पे आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 2017-18 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन बना है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, कैरेज फैसिलिटीज, ऑल ऑफ दीज पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, जल्दी से आंसर दीजिएगा स्टूडेंट्स। इन वुडन वर्क द मेजरमेंट ऑफ चौखट, ठीक है, द वुडन वर्क, ओके, द वुडन वर्क द मेजरमेंट ऑफ चौखट इज इन क्यूबिक मीटर, देन द मेजरमेंट ऑफ शटर, इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। द मेजरमेंट ऑफ शटर इज इन, ये क्वेश्चन इसका जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से डू फास्ट। फर्स्ट का डी आंसर सही है गौरव कुमार, जल्दी से बताइए इसका आंसर बताइए। इसमें दे रखा है हमारे को इन वुडन वर्क, जो हमारे पास लकड़ी का काम होता है घरों में, द मेजरमेंट ऑफ चौखट, चौखट का समझते हैं, चौखट का मतलब क्या होता है, जिसमें आप डोर को सेटअप करते हैं, समझ रहे ना, जो चौखट होता है इस तरीके से, अगर हम लोग देखना चाहें जैसे हमारे पास इस तरीके का क्या होता है, चौखट होता है, ये हमारे पास हो गया चौखट। अब इसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, जो डोर या पैनल जो होता है, वो पैनल का पूछा आपने, उसको बोल रहा है यहाँ पे शटर बोला जा रहा है। तो स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर, मीटर और नन ऑफ दीज, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड का आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा, आप अपने जो क्वेश्चन बैंक उसको करेक्ट कर लेना, वहां पे क्यूबिक मीटर दे रहा, क्यूबिक मीटर गलत आंसर है, ठीक है ना। जो भी हम लोग आपको डाटा बताएंगे वो डाटा एज पर बी एन दत्ता साहब के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। ये एक टेस्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, यही हमारा क्या है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, ठीक है ना। तो जो भी डाटा बताया जाएगा इसके बेसिस पे आपको बताया जाएगा। जैसे हम लोग कुछ पॉइंट लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, जैसे डोर विंडो शटर्स, ठीक है ना, डोर विंडो शटर्स जो हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैनल, ओके, पैनल जितने भी हमारे पास है, बैटन,
ठीक है, बैटन ग्लेज, ओके ग्लेज, या फिर पार्ट वे वायर गेज ईटीसी, जो भी हमारे पास मेजरमेंट होगा स्ट्रेंथ, ये किसमें होता है हमारे पास स्क्वायर मीटर में होता है। किसमें होता है स्क्वायर मीटर में, एक आप ध्यान देना, जो हमारे पास क्या होता है डोर विंडो फिटिंग, जो डोर विंडो फिटिंग वाला काम है, जिसमें हिंगर्स टावर बोल्ट्स या फिर आप क्या कह सकते हैं जो हैंडल्स ATC, जो जिसकी हद से आप क्या कर रहे हैं उसको खींच रहे हैं, उन सब का मेजरमेंट किसमें होता है स्टूडेंट्स, नंबर्स में होता है। इस पॉइंट को भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए मोबाइल में से देखा जाता है क्योंकि बहुत सारे डाटा है, सब डाटा को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आपने देना, हमने नहीं देना एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट्स, द यूनिट ऑफ पेमेंट रेट फॉर AC सीट्स रूफ इज डन, इसका जो पेमेंट किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा, जल्दी से फास्ट बताओ बच्चों। द यूनिट ऑफ पेमेंट रेट फॉर AC सीट्स, जो AC सीट्स का जो हम लोग पेमेंट करेंगे, पर यूनिट लेंथ स्क्वायर मीटर क्यूबिक मीटर पर 1000 kg, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स किसमें आएगा हमारे पास स्क्वायर मीटर में आएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, जो इसका आंसर हमारे पास आएगा वो किसमें आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आएगा स्क्वायर मीटर में, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास कोई डाटा है नहीं, इससे रिलेटेड कोई डाटा नहीं है। एक सेकंड में आपको और डाटा बता देता हूं यहां पे, जस्ट ए मिनट। आप देखें इसको क्या कर सकते हैं, जैसे इसका एक आप एक बार आप देख सकते हैं, जैसे ये ग्रिल्स जो दे रखा है या ये शटर दे रखा है या जितने भी हमारे पास एंगल सेक्शन टी सेक्शन या फिर आई सेक्शन है या फिर हमारे पास जो फैब्रिकेशन रहता है या फिर आप क्या देख सकते हैं वाइंडिंग वायर जो है हमारे पास या फिर जो हमारे पास नट बोल्ट है या फिर जो हमारे पास क्या स्ट्रेंथ जाली वर्क जो होता है जैसे वायर नेटिंग बोलते हैं या फिर जो हमारे पास क्या होता है फेंसिंग वर्क होता है, ठीक है, या फिर जो हमारे पास रॉड्स होते हैं, ठीक है ना, रॉड जो होती है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होती है GI सीट्स, ठीक है, GI सीट्स जो इसमें आपको पूछा गया है, ये हमारे पास क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर इस तरीके से आपके पास क्या होता है स्टील डोर एंड विंडो होता है हमारे पास, जो हमारे पास क्या होता है गर्डर होता है या फिर जो हमारे पास क्या है ट्रस है, इन सभी का जो मेजरमेंट है वो हमने एक टेबल बना रखा है। आप इस टेबल का क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इसका क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने एक एक पॉइंट को यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पूरा एक टेबल में एक पॉइंट में हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया, यहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन कर रखा आपको, रॉड स्टील, रॉड स्टील जैसे टी सेक्शन आई सेक्शन एल सेक्शन फ्लैट स्क्वायर राउंड ATC सब किस में आता है क्विंटल में आता है, जैसे स्टील रिइंफोर्समेंट बार, ठीक है, स्टील रिइंफोर्समेंट बार जो होता है RCC या फिर रिइंफोर्समेंट ब्रिक में हमारे पास किस में होगा क्विंटल में होगा, बेंडिंग या बाइंडिंग वायर जो होता है स्टील रिइंफोर्समेंट में जिसके वजह से आप बाइंडिंग करते हैं उसको हमारे पास क्या आएगा क्विंटल में, फैब्रिकेशन ऑफ स्टील वर्क किस में आएगा क्विंटल में आएगा। ये क्वेश्चंस आपके इसमें पूछा गया SBT में, तो आपको याद रहना चाहिए। वायर नेटिंग किस में होगा स्टेज सेंटीमीटर सॉरी क्या मीटर स्क्वायर में होगा, गसट प्लेट किस में होगा क्विंटल में होगा, थ्रेडिंग इन आयरन किस में होगा सेंटीमीटर में होगा, फास्टनर जैसे रिवेट बोल्ट नट जितने फास्टनर हम लोग यूज करते हैं उन सबको किसमें मेजरमेंट किया जाता है क्विंटल में, ठीक है माय डियर। जैसे हमारे पास आ गया वायर फेंसिंग किसमें आएगा रनिंग मीटर में, रोलिंग शटर कोलेप्सिबल गेट आयरन ग्रिल्स आयरन गेट स्टील डोर एंड विंडो किसमें आएगा स्क्वायर मीटर में आएगा, और आयरन रेलिंग किसमें आएगा स्टेंस रनिंग मीटर में आएगा। ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है इसलिए आपको याद रखना चाहिए, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसके बाद भी लेक्चर को पढ़ा करिए, सिर्फ इस टाइम पे लेक्चर को पढ़ करके मत रह जाना है। और ये यहाँ पे अगर आपको कोई भी इनमें से समझना है तो यहाँ पे हमने सारे पिक्चर्स आपको गिवन कर रखे हैं, शटर गेट मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये जो कोलेप्सिबल गेट है इस टाइप का कोलेप्सिबल गेट होता है ना जिसको हम लोग इस तरीके से खींचते हैं और इस तरीके से हम लोग बंद कर देते हैं, कोलेप्सिबल गेट को मीटर स्क्वायर में होता है, शटर गेट मीटर स्क्वायर में, जितने भी सेक्शन हैं सब किसमें आएंगे क्विंटल में, ठीक है, ये हमारे पास हो गया स्टील फैब्रिकेशन, ठीक है, ये किसमें क्विंटल में, ये हमारे पास है बाइंडिंग वायर। आपने देखा होगा जब भी हम लोग क्या करते हैं
स्लैब बनाते हैं या कॉलम बनाते हैं जहां पे वायर को एक दूसरे से बांधा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्विंटल में कंसीडर करते हैं, नट बोल्ट क्विंटल में। दिस इज द वायर नेटिंग, यस और नो? इसका स्क्वायर मीटर में है। दिस इज द वायर फेंसिंग, जो बॉर्डर्स पे जनरली जो होता है, जो बॉर्डर पे होता है वायर फेंसिंग, ये किस में आता है स्टूडेंट्स, रनिंग मीटर में आता है। और थ्रेडिंग इन बोल्ट, जो आपने देखा ना बोल्ट में जो थ्रेड्स होते हैं, उसको मेजरमेंट किस में किया जाता है, रनिंग मीटर में किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से एसी सीट यही है हमारे पास। इसका आंसर क्या गया, मीटर स्क्वायर। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए, तो आंसर क्या था, एसी सीट, ठीक है, या जीए सीट, जो भी है हमारे पास, तो उसके उसमें आएगा स्क्वायर मीटर में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। चंदन, सोनी, विशाल, मनुपाल, वेरी गुड, सभी का आंसर क्या एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। हमारा टारगेट सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है माय डियर, हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको बता पाए। जरूरी नहीं है ना यही क्वेश्चन आएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं यही डायरेक्ट आएगा। कोशिश ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन और बने तो वो हमारा सही हो जाए। द थिकनेस ऑफ लेयर वाइज फिलिंग ए पिट विद अर्थ शुड बी जनरली, हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉट मोर देन 6 इंच होता है, तो उस केस में हम लोग कितना लेकर के चलेंगे, 10 टू 20 सेंटीमीटर लेकर के चलेंगे। ठीक है, द थिकनेस ऑफ लेयर वाइज फिलिंग ए पिट विद अर्थ वर्क शुड बी जनरली नॉट मोर देन 6 इंच, मतलब कितना जगह हमारे पास, 10 टू 20 सेंटीमीटर लेकर के हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कल वाली आपने एक वीडियो देखा होगा, याद करो, जिसमें स्टूडेंट्स ने कल वाली एक वीडियो पढ़ा होगा, उस वीडियो में हमने बताया था जो एक्यूरेसी होता है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, यस और नो? इस क्वेश्चन का सभी आंसर बताओ, एज पर आईएस 1200 द करेक्ट मेजरमेंट शुड बी टेकन अप टू। अब देखिए, अब आपको माइंड में आ रहा होगा सर इन्होंने ये भी दिया, किसका पूछा है, एरिया का पूछा है, वॉल्यूम का पूछा है, लेंथ का पूछा है, वेट का पूछा है, किसका पूछा है, नहीं दिया है ना, तो आप ध्यान से देखिए, ये यूनिट किसका दे रखा है सर, ये सब यूनिट हमारे को किसका दिया माय डियर, ये दिया है डायमेंशन का। तो कल हम लोगों ने एक टेबल बनाया था, याद करो मैंने बोला ना टेबल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उस टेबल से आपका एक क्वेश्चन बनना तय है। तो लेंथ हो या वेट हो या डेप या ऑब्लिक में क्या कह सकते हैं आप, हाइट, इसका जो मेजरमेंट होगा वो किसमें लिया जाता है, नियरेस्ट 0.01 मीटर में लिया जाता है। यही अगर एरिया होता तो क्या होता, 0.01 मीटर स्क्वायर होता, और यही वॉल्यूम के टर्म्स में होता तो हमारे पास क्या होता माय डियर, 0.01 मीटर क्यूब होता। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट्स लेते हैं। 5 का ए आंसर बिल्कुल सही है, गौतम कुमार, वेरी गुड। थोड़ा स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट्स, इन रेट एनालिसिस द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट शुड बी कंसीडर्ड एज, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो कितना परसेंट कैरी करता है, बताऊं कितना परसेंट अपना वो करके चलता है, जो भी क्या आता है कॉस्ट आता है उसका कितना लेकर के चलता है वो, 10%, 5%, 3%, 1.5%। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए फास्ट सभी स्टूडेंट्स, 5th का ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 10%। ध्यान समझिए, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो होगा हमारे पास, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है, 10%। अब आप बताइए जो डिपार्टमेंटल चार्ज कितना होता है, डिपार्टमेंटल चार्ज कितना लेकर के चलते हैं, डिपार्टमेंटल चार्ज जल्दी जल्दी बताते चलिए, कल वाला टेबल आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वर्क एस्टेब्लिशमेंट, ओके, वर्क एस्टेब्लिश मेंट के लिए हम लोग कितना लेकर के चलते हैं, एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए कितना लेकर चलते हैं, एक्सपेंसेस या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसीज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टूल एंड प्लांट्स, ये सभी को याद रहना चाहिए क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन हर बार बनता है इस टेबल से। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट है हमारे पास सैनिटरी वर्क, सैनिटरी वर्क, ठीक है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क के लिए कितना परसेंट होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, इन सब के लिए आपको सभी को डाटा याद रहना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, टूल प्लांट्स, ठीक है, सभी को हमको डाटा याद रहना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी क्या करें, कब बताइए कि किसका कितना परसेंट रहता है, डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रैक्टर। देखिए कल हमसे जो पूछा गया था क्वेश्चन वो वर्क एस्टेब्लिशमेंट का पूछा गया था, आज हमसे क्या पूछा गया है, कॉन्ट्रैक्टर का पूछा गया है, कल जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें टूल एंड प्लांट का पूछा होगा। तो डिपार्टमेंटल कितना होता है स्टूडेंट्स,
10-15% हम लोग क्या करके चलते हैं, कैरी करके चलते हैं। वर्क एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना कंसिडर करके चलते हैं, 1.5-2%। गलत आ रहा है चंदन, डिपार्टमेंटल का कितना होता है हमारे पास, 10-15% होता है। यस विशाल, योर आंसर इज करेक्ट। सेक्रेटरी के लिए कितना होता है, 8% होता है। और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितना होता है, 8% होता है। टूल एंड प्लांट्स के लिए कितना होता है, 1-1.5% होता है। यस और नो? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कंसिस्टेंसी के लिए कितना होता है, 3-5% होता है। और ये कितना होता है, 1.5-2%। ये सारे डाटा याद रहने चाहिए, अब आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि अब आप बिल्कुल नियरेस्ट खड़े हैं एग्जाम के साथ में। ये सारे डाटा आपको याद रहने चाहिए। टूल एंड प्लांट्स डिपार्टमेंट, गौरव योर आंसर इज करेक्ट। चलिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटी ऑफ 8-ton ट्रक। देखिए कल हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था और आज ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही है गौरव, इलेक्ट्रिशियन के लिए 8% होता है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही है, द कैपेसिटी ऑफ 8-ton। हम लोगों ने कल 3 types के ट्रक को स्टडी किया था कि हमारे को जो बुक है उसमें 3 का देखा है। एक तो है 3-tonner, क्या हमारे पास 3-tonner। दूसरा कौन सा था, 5-tonner। ओके, थर्ड हमारे पास कौन सा था, 3, 5 और 8-tonner है। तो बोले क्या क्या आंसर आएंगे, 3-ton के लिए 1000 ब्रिक, यस और नो? सेकंड के लिए हमारे पास कितना आएगा स्ट्रेंथ, 1500 ब्रिक्स। ओके, 1500 ब्रिक्स। एंड थर्ड के लिए कितना हमारे पास, 2000 ब्रेक। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, जिस स्टूडेंट को डाटा याद नहीं होगा वो करेक्ट आंसर नहीं लगाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का विशाल, 3000 कैसे आएगा, 2000 आएगा। कैपेसिटी ऑफ 8-ton ट्रक कैरिंग नंबर्स ऑफ ब्रेक इज व्हाट, 2000। और हमने आपको क्या बताया था, अगर 2000 ना हो तो आप कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रेक, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ब्रेक इक्वल टू टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज व्हाट, 8-ton। मतलब कितना हो गया, 8000 डिवाइड में हम लोग क्या कर देंगे इसको, 3.5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2200, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 2300 ब्रेक के अप्रोक्सीमेट आता है, 2285 के अप्रोक्सीमेट आता है, ठीक है ना। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज वेट ऑफ ब्रेक कितना होता है, 3-3.5 के रिस्पेक्ट में होता है, तो उस रिस्पेक्ट में आप आंसर देख सकते हैं, 2000 इज करेक्ट आंसर। विश्वजीत विशाल, योर आंसर इज रॉन्ग। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए अपने आंसर को। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास है, जनरली 1 bag ऑफ सीमेंट इन इंडिया इज वेट। जनरली का मतलब है जिसको ज्यादातर हम लोग देखते हैं, तो कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, 50 kg। यस और नो? 1 bag ऑफ सीमेंट इन इंडिया इज वेट कितना है, 50 kg। वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम कितना होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ 1 bag ऑफ सीमेंट कितना होता है, चलिए बताइए जल्दी से कितना होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, 0.035 कितना होता है, मीटर क्यूब होता है। और 1 m³ सीमेंट में कितने नंबर बैग्स आते हैं, अप्रोक्सीमेट 30। और एग्जैक्ट आंसर इज व्हाट, 20.5 के अप्रोक्सीमेट आता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, सीमेंट कौन सा है, पोर्टलैंड सीमेंट की हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, आप नेक्स्ट जो 6th semester में जब आप RCC का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे सब्जेक्ट को आप पढ़ने को देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे को दे रखा था कवर फॉर स्टील बार इन RCC बीम, द कवर फॉर स्टील बार इन RCC बीम। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैं इसको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे अगर क्वेश्चन, अगर आपको बीम की जगह पे, जैसे यहाँ पे दे दिया RCC बीम, यहाँ पे क्या दे सकता है वो आपको स्लैब दे सकता है, वो यहाँ पे क्या दे सकता है आपको कॉलम दे सकता है, वो यहाँ पे क्या दे सकता है आपको और भी कुछ दे सकता है, जैसे फाउंडेशन के रिस्पेक्ट में आप कितना लेकर के चलेंगे। तो इन सबको हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबको नोट डाउन कर लेना है। जैसे हमारे पास कोई भी एक बीम है
और उसमें क्या करते हैं आप इस तरीके का रेनफोर्समेंट देखते हैं। जब आप इसका कोई भी एक क्रॉस सेक्शन कट करेंगे लाइक दिस, इसका आपने एक क्रॉस सेक्शन को कट किया और इस क्रॉस सेक्शन को आप देखिए इस तरीके से देख पा रहे लाइक दिस, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है और इसमें हम लोग क्या करते हैं इस तरीके का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो रेनफोर्समेंट है व्हाट इज द कवर, ये जो हमारे पास कवर है ना स्ट्रेंथ, ये वाला जो कवर इसकी बात कर रहा हूं, ये कवर हमारे पास कितना होता है, द कवर फॉर स्टील बार इन आरसीसी बीम, दिस इज द नॉमिनल कवर बोलते हैं या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं क्लियर कवर, ठीक है क्लियर कवर। अब जब आप सिक्स में आरसीसी पढ़ेंगे वहां पे आप और भी पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपने इतना ही क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या हमारे पास रिजल्ट होगा, पहली बात तो कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, स्ट्रेंथ कवर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो रिइंफोर्समेंट है वो डायरेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, किसके कॉन्टेक्ट में ना आए, वो डायरेक्ट एनवायरमेंट के केस में नहीं आए। अब रीजन क्या है, अगर डायरेक्ट किसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो जो रॉड है उसमें क्या लगने लगेगा, जंग लगने लगेगा और धीरे 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 वो वीक हो जाएगा और आफ्टर ए टाइम वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। एक तो ये पॉइंट होता है जो मेन पॉइंट है, दूसरा क्या होता है गुड अपीयरेंस, मतलब देखने में हमको अच्छा भी लगना चाहिए। आपने कभी देखा है कि वायर लटका हुआ है जो बीम में हमने रॉड यूज किया हुआ है इस तरीके का, वो जो ये वायर्स है वो हमको दिखाई दे रहे हैं लटक रहे हैं, नहीं, तो गुड अपीयरेंस होता है। दूसरा मेन पर्पस क्या है, ये ड्यूरेबिलिटी को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब हम लोग अपने आंसर पे आते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आंसर इसका स्ट्रेंथ जो करेक्ट है वो हमारे पास है 25 mm, ये पॉइंट ध्यान देना, 25 mm इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हम आपको लिख रहे हैं स्ट्रेंस, ये पॉइंट आपने क्या रखने ध्यान देने हैं। जैसे अगर हमारे पास बीम की जगह पे क्या आता है, स्लैब आता है, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इन केस ऑफ स्लैब, सेकंड पॉइंट इज इन केस ऑफ बीम, थर्ड पॉइंट इज व्हाट इन केस ऑफ कॉलम, ठीक है ना, कॉलम में देख रहे हैं, एंड थर्ड फोर्थ वन इज द फुटिंग, फुटिंग मतलब जो फाउंडेशन में हमारे पास। तो मिनिमम नॉमिनल कवर की बात कर रहे हैं कि भाई इतना तो हमने प्रोवाइड करना ही है। स्लैब के रिस्पेक्ट में कितना होता है स्ट्रेंथ हमारे पास 20 mm होता है, बीम के रिस्पेक्ट में कितना होता है हमारे पास 25 mm होता है, कॉलम के रिस्पेक्ट में कितना होता है स्ट्रेंथ 40 mm होता है और फुटिंग के रिस्पेक्ट में कितना होता है 50 mm होता है। ये आपने ध्यान देना है, स्लैब के रिस्पेक्ट में नॉमिनल कवर कितना हम लोग प्रोवाइड करके चलते हैं मटेरियल, वो हमारे पास है 20 mm, बीम में कितना है 25 mm, कॉलम में कितना है 40 mm एंड फुटिंग में कितना लेके चलते हैं हम लोग 50 mm लेकर के चलते हैं। ध्यान देना और भी हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है ना, परंतु आपसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे कॉलम में हमारे पास और भी रिजल्ट होते हैं, जैसे 25 mm भी होता है, पर वो डिपेंड करता है हमारे पास कि डायमेंशंस किस तरीके से दे रखी है। और अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम कवर, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए मैक्सिमम कवर प्रोवाइड इन फुटिंग, ओके इन फुटिंग, अगर आपसे मैक्सिमम कवर पूछा जाए स्टूडेंट, तो आप क्या कह सकते हैं 75 mm प्रोवाइड करते हैं हम लोग, 75 mm प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर कोई भी समुद्र के किनारे कहीं पे भी अगर आपका घर बन रहा है, स्लैब में 15 से 20 mm, कॉलम में 40 से 60 mm, बिल्कुल गलत है। स्लैब का आपका सही है चंदन, पर कॉलम का आपका गलत है, कॉलम में कहीं पे भी 40 mm प्रोवाइड नहीं किया जाता, 60 mm प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इस पॉइंट को आपने ध्यान देना है। स्लैब में जो होता है हमारे पास 15 to 20 mm, वो करेक्ट है आपके पास 15 to 20 mm होता है, बट वो बहुत सारे कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का एक्सपोजर कंडीशन, मतलब किस तरीके का इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो हम लोग जब सिक्स सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो वहां पे आपको अच्छे से समझने को मिलेगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, द कवर फॉर स्टील बार इन आरसीसी बीम इज व्हाट 25 mm, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द मेन बार, ऐसा कोई भी और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, विच एवर इज ग्रेटर ए एंड बी, जब ऐसा है ही नहीं तो फिर हम लोग ग्रेटर कैसे कह सकते हैं, ठीक है। इसका मेन मोटो क्या है, इसका मेन मोटो है कि रिइंफोर्समेंट को एनवायरमेंट से बचाना है, मतलब हम लोग चाहते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके से क्या ना जाए, कोई भी वाटर या मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, दिस इज द मेन मोटो, अदरवाइज इसका कोई और फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन कल का सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, द एडिशनल लेंथ ऑफ वन हुक इन द स्टील रिइंफोर्समेंट बार टू इज व्हाट, वो हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स 9D होता है, किसके रिस्पेक्ट में, वन हुक के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है।
अच्छा अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएं। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट्स हमने। द एक्सपेक्टेड आउट टर्न्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट पर मेसन पर डे। यहाँ पे मेसन से पूछा गया है कि भाई तुम एक दिन में कितना काम करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। द एक्सपेक्टेड आउट टर्न्स, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, टास्क वर्क। क्या हमारे पास ये टास्क वर्क एक, अच्छा पर डे का मतलब कितने के साथ में होता है, हमारे पास एक आवर के साथ में होता है। एक मेसन एक दिन में मतलब आठ घंटे में कितना सीमेंट कंक्रीट वर्क को करता है, तो उसका बोलिए बच्चों क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक सेकेंड, ओके ओके। आप एक टेबल देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक टेबल दिखाना चाह रहे हैं यहां पे, ठीक है, एक टेबल दिखाना चाह रहे हैं। इस टेबल में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आप इस टेबल को एक बार अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग इसको हल्का सा डार्क कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं टास्क वर्क का स्टूडेंट्स, कि ये एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है 4 मार्क्स में कि टास्क वर्क क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है टास्क वर्क का सिंपल सा मतलब होता है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, जो मेसन है वो एक दिन के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क करा रहे हैं। ये सारा वर्क किस में हमारे पास स्टूडेंट्स, ये ब्रिक में है। बात यहाँ पे किसकी चल रही है, मोर्टार की, मतलब सॉरी सीमेंट कॉन्क्रीट की बात चल रही है। ये देखिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 14 को देखिए आप ध्यान से, पॉइंट नंबर आपको 14 दिखाई दे रहा होगा बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको याद रखना पड़ेगा इस टेबल को, ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर्स में करा रखा है। लाइम कंक्रीट कहिए या सीमेंट कंक्रीट कहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको सारा लाइम कंक्रीट के रिस्पेक्ट में रिजल्ट दे रखे है, कोई भी सीमेंट कंक्रीट के रिस्पेक्ट में रिजल्ट नहीं दिया है। तो व्हाट इज द लाइम कंक्रीट 1:2:4 में एक दिन में मेसन कितना काम करता, माय डियर जो मेसन वर्क कर रहा है वो कितना वर्क कर रहा है, ध्यान से देखिए इसको, वो हमारे पास कर रहा है 5 मीटर क्यूब, कितना कर रहा है 5 मीटर क्यूब वर्क कर रहा है। यही आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये सारे रिजल्ट्स आपको क्या रखने हैं, मेडियर याद रखने हैं। देखिए कोई भी पूछा जा सकता है, इस बार कौन सा पूछा गया है, इस तरीके से 44 केसेस हैं, ये हमने BN दत्ता बुक से लिए हुए हैं। तो जैसे लाइन कॉन्क्रीट पे कोई और भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको याद जरूर करके जाना, कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन भी हमको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट को आपने क्या रखना, याद रखना है। ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ इज व्हाट 1.25 क्यूब है। ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोर्टार इन सुपर स्ट्रक्चर, ये कौन सा हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर, ये कौन सा फाउंडेशन एंड प्लिंथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर। यही रेट एनालिसिस को क्या करने के लिए, सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 11 का डी आंसर बिल्कुल क्या है, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट बताइए, द कार्पेट एरिया ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूड द फॉलोइंग, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है बच्चों, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, द कार्पेट एरिया ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूड ऑफ द फॉलोइंग। एक्सक्लूड का मतलब है किस पार्ट को आप कंसीडर नहीं करके चल रहे हैं। देखिए कल वाले केस में क्या आया था, प्लिंथ एरिया से रिस्पेक्ट क्वेश्चन आया था, आज हमारे पास किससे रिलेटेड है, कार्पेट एरिया से, मतलब है ध्यान से समझिए। अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, मतलब गांव की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है माय डियर, इसका सिंपल सा मतलब है कि किस एरिया में आप रहते हैं, किस एरिया में आप रहते हैं। अब आप खुद अपने घर में इमेजिनेशन करो, आप कहां कहां रहते हैं, क्या कोई भी स्टूडेंट कॉरिडोर में रहता है क्या, क्या कोई स्टूडेंट बरांडे में रहता है, किचन में रहता है, स्टोर रूम में रहता है, बाथरूम में रहता है, स्टेयर्स पे रहता है, जिस जिस जगह आप नहीं रह सकते हैं,
जिस जगह पे आप नहीं रह सकते हैं वो एरिया किस में नहीं आता है, कारपेट एरिया में नहीं आता है। मीन जहां पे आप रह सकते हैं, जहां पे आप कारपेट बिछा करके सो सकते हैं, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया बोलते हैं। जैसे क्या आप बरांडा में रहते हैं? नो, हम लोग तो बेडरूम में रहते हैं। यस, क्या आप स्टोर रूम में रहते हैं? नहीं सर, हम स्टोर रूम में नहीं रहते हैं। क्या आप गैराज में रहते हैं? नहीं सर, इसमें भी नहीं रहते हैं। इसका मतलब क्या आ गया? ऑल ऑफ द अबव। कौन सा आ गया माय डियर? ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दिखाना चाहता हूं, ठीक है? ध्यान से देखते चलिए। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे कारपेट एरिया का। देखिए आपके सामने आया है कारपेट एरिया। यस, डी आंसर इज करेक्ट। कोमल, राहुल, मनुपाल, पवन, अनुप्रिया, वेरी गुड, सभी का करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है ना सभी को? गोविंद कुमार, यस। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा कारपेट एरिया के बारे में पढ़ते हैं। कारपेट एरिया में दो वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। एक है यूजफुल एरिया। कौन सा एरिया स्टूडेंट्स? एक हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं यूजफुल एरिया, और एक है लाइवेबल एरिया। लाइवेबल एरिया और यूजफुल एरिया, जब आप बात करेंगे ऑफिस का, जैसे आपने कोई भी ऑफिस लिया, सपोज आप क्या बन गए, जूनियर इंजीनियर बन गए, आप अपने भाई का, छोटे भाई का किसी का बिजनेस कराना चाहते हैं, ठीक है? तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कोई दुकान लेंगे, वहां पर आप उसका ऑफिस बनाएंगे। तो आपकी मेन प्रायोरिटी क्या रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या करें, यूज करें। तो ऑफिस के लिए हमारे पास होता है यूजफुल एरिया, बट जो हमारे पास बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग यूजफुल वर्ड यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं लाइवेबल एरिया। लाइवेबल एरिया का मतलब क्या है? जहां पे हम लोग रह सकें, ठीक है? जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, लाइवेबल एरिया। तो कारपेट एरिया कौन सा एरिया होता है स्टूडेंट्स? टोटल फ्लोर एरिया माइनस एरिया नॉट यूज फॉर लिविंग पर्पज। वो एरिया जिसमें आप लिविंग, मतलब जहां पे आप नहीं रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द फॉलोइंग एरियाज आर नॉट कंसीडर्ड इन द कारपेट एरिया। कौन कौन सा एरिया है, किस कोड के बेसिस पे हम ये बता रहे हैं आपको? IS 3861:2002 के बेसिस पे बता रहे हैं। जैसे सैनिटरी, बरांडास, कॉरिडोर एंड पासेज, किचन, पेंट्रीज, स्टोर एंड डोमेस्टिक बिल्डिंग्स, एंट्रेंस हॉल एंड पोर्चेज, स्टेयरकेस एंड मम्टीज, शार्ट्स फॉर लिफ्ट, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास बर्सेटाइज, गैराज, कैंटीन, एयर कंडीशन डक्ट एंड एयर कंडीशन प्लांट रूम। ये वो एरिया है जो एक घर में तो बनाए जा रहे हैं परंतु इनमें हम लोग रहते नहीं है, ठीक है? ये सारे एरियाज को हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर एरिया में कंसिडर करके चलते हैं। बट दीज एरियाज आर नॉट कंसिडर्ड इन कारपेट एरिया। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, एंड सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू दिस। अब देखिए यहाँ पे हमारे को कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है। द कारपेट एरिया ऑफ ऑफिस बिल्डिंग इज व्हाट? 60-75% ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। बट अवर टारगेट इज व्हाट? हम लोग चाहते हैं कि 75% एरिया को क्या किया जाए, कवरअप किया जाए। कहीं कहीं पे यही डाटा आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 65-75% में मिलेगा। ध्यान देखिए, पर आप इसको ध्यान रख सकते हैं, अवर टारगेट इज व्हाट? हम लोग चाहते हैं कि 75% एरिया को हम लोग क्या करें, यूज कर पाए। किसके लिए? किसी भी ऑफिस के लिए। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? द कारपेट एरिया ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जब आप किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोग रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसमें हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट, 50-65% ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ठीक है? बट व्हाट इज आवर टारगेट? आवर टारगेट इज व्हाट? कि हम लोग 65% एरिया को किसके लिए बना सके, रहने के लिए बना सके। एरिया कितना होता है कारपेट एरिया? 50-65% होता है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए घर का हम लोग जनरली किराया नहीं देते हैं, घर सबका ज्यादातर अपना होता है, कुछ भी हम लोग बना लेते हैं, जो भी मन करता है, भाई ये स्टोर रूम बना लिया, ये बना लिया, ये वो बना लिया। बट जब हम लोग कोई ऑफिस रूम लेते हैं तो जनरली वो सब रेंट पे रहता है, तो उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं। माय डियर, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, एंड टू एक्स्ट्रा पॉइंट्स। फॉर ए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर द एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल। जो भी हमारे पास फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें कॉलम वॉल पे बनाया जाता है,
कॉलम वॉल नहीं, कॉलम एंड बीम की हेल्प से बनाया जाता है। जितने भी बड़े आप मल्टीप्लेक्स देखेंगे या बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखेंगे, वो सब कैसे होते हैं, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उसमें जो हमारे पास क्या कह रहा है, जो वॉल है, वॉल मतलब दीवार, जो पार्टीशन वॉल्स होती है, वो प्लिंथ एरिया का कितना एरिया कवर करती है, 5-10% को कवर अप करते हैं। 4 है ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स, जो हमारे पास ऑर्डिनरी बिल्डिंग जिनमें हम लोग रहते हैं, वहां पे कितना एरिया को कवर करता है, 10-15% ऑफ द प्लिंथ एरिया को कवर अप करता है। आई थिंक आपको यहां से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द कारपेट एरिया एंड कौन कौन से ऐसे मतलब एरियाज हैं जिसे हम लोग कारपेट एरिया में कंसीडर नहीं करते। कल वाली वीडियो आपको समझ में आया होगा बच्चों, आज वाली भी ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप इतना लिख देंगे कारपेट एरिया के बारे में तो दिस इज इनफ फॉर 4 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपने इतना लिख दिया तो इट इज इनफ, ठीक है, आपको पूरा मार्क्स दे दिया जाएगा। चलिए तो आपको क्लियर हो गया, द कारपेट एरिया ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग, भाई इन सबको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कारपेट एरिया का मतलब है जहां पे हम लोग रह सकते हैं, तो इनमें से किसी भी पॉइंट में हम लोग नहीं रह सकते। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन इज व्हाट। चलिए अब इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे। ये क्वेश्चन तो शायद हमारे पास फिर से रिपीट हो रहा है, द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 m³ ऑफ 1:2:4, कितना हम लोग सीमेंट की हमारे को जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, दिस इज द न्यूमेरिकल। जल्दी से सॉल्व करके सभी बच्चे बताइए, सभी बच्चे इसका आंसर बताइए कितना आएगा। सभी को समझ में आ रहा है ना, सभी स्टूडेंट्स को बच्चों समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कोई भी, देखिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आपको कोई भी सजेशन देना है आप हमको दीजिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सजेशंस पे वर्क कर पाए, ठीक है। यस सौरभ सिंह, योर आंसर इज 2.2 इज योर आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल 13 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे करेंगे हम लोग, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सिंपल सा हमने कल पढ़ लिया था इसको, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज व्हाट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, दिस इज इक्विवेलेंट व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 1/, कितना है हमारे पास 1:2:4, इन सबको ऐड कर लो, 4+2+ कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई में। अब आपने ध्यान से देखना है 10 m³ क्या बनाना है आपने, कॉन्क्रीट बनाना है, तो फर्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई अगर 1 m³, अगर आपको क्या चाहिए, ड्राई कॉन्क्रीट चाहिए, ड्राई कॉन्क्रीट चाहिए, तो वो किसके इक्वल होता है 1.54 m³ ऑफ वेट कॉन्क्रीट चाहिए, ठीक है, वेट कॉन्क्रीट। तो यहां पे कितना दे रखा है हमारे को, 10 दे रखा है, तो अब हमारे को 10 क्या चाहिए, अगर हमारे को 10 m³ क्या चाहिए, वेट ड्राई कॉन्क्रीट चाहिए, तो उसमें हम लोग कितना करेंगे, इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.54 से, तो हम लोग लिखेंगे 1.54 मल्टीप्लाई चाहिए, तो जब 10 से कट कैंसिल होगा कितना जाएगा 15.4 डिवाइड में 7, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 2.2 m³। ओके सेम क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, 2.2 m³, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ बिल्कुल सोल्यूशन पूरा करा दे रहे हैं अंकित, पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इन पेपर का जो 3 पेपर है ना उसका पूरा आंसर मिल जाएगा, उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे हम लोग सारा अपलोड कर देंगे आपको। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, एक्चुअल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक, बोलो क्या होगा एक्चुअल साइज, ये हमारे पास है 15 cm, 10 cm, 9 cm, ठीक है, 19 cm, 9 cm, 9 cm, 20 cm, 10 cm, 9 cm, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी से आंसर बताओ बच्चों, सभी का आंसर बी आ रहा है, यस करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या जाएगा स्टूडेंट, बी इज द करेक्ट आंसर, यस योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है, बाकी तो हमने कल देख लिया था सारा कुछ। और अगर आपसे नॉमिनल साइज पूछा जाता तो 20 × 10 × 10 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कोटिंग, ध्यान से देखिए, ऑफ 1 कोटिंग ऑफ व्हाइट वॉशिंग
ऑफ 100 मीटर स्क्वायर प्लास्टर। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भाई प्लास्टर का जो मेजरमेंट होता है वो किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, अगर आपको 100 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करना है वन कोटिंग के लिए तो कितना व्हाइट वॉशिंग की जरूरत है, सॉरी कितना लाइम की रिक्वायर्ड होगी, तो प्लीज रिमेंबर इसको आपको याद रखना पड़ेगा, 10 kg, 10 kg लाइम को आप वन कोटिंग करके व्हाइट वॉशिंग कर सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर प्लास्टर पे। नन ऑफ दीज 9 cm लिखा हुआ है, एक सेकेंड, नाइनटीन सेंटीमीटर ही होता है, सही है। अरे ये आंसर थोड़ा ना होगा 10 cm × 10 cm × 10 cm, नहीं हमने पूछा, अगर नॉमिनल साइज पूछा होता तो नॉमिनल साइज क्या हमारे पास 20 cm × 10 cm × 10 cm, ये हमारे पास आंसर आता अगर हमारे पास नॉमिनल होता। यस, नॉमिनल कोई नहीं इनमें से, बिकॉज इसमें 9 है, अगर 10 होता तो नॉमिनल हो सकता था। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया था, अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कोटिंग ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर प्लास्टर इज व्हाट, 10 kg। चलिए 15 का ए सभी का आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए द पेमेंट यूनिट फॉर द स्टील इन गिल्ड वर्क इज इन व्हाट, क्या आएगा बोलो बच्चों, वॉल्यूम में आएगा, वेट में आएगा, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए जल्दी से, और अभी मैंने आपको बताया भी था पूरा, yes or no? जितना भी हमारे पास स्टील वर्किंग आरसीसी होता है वो सारा किसमें होता है, क्विंटल में होता है बाइंडिंग। ठीक है, रिवेट और बोल्ट का किसमें मेजरमेंट होता है, स्ट्रेंथ क्विंटल में होता है। जितना भी हमारे पास क्या होता है, आयरन रेलिंग ग्रेल्स या फिर इंसर्ट जो भी है हमारे पास, वो सब किसमें होगा, क्विंटल में। अब क्विंटल का मतलब क्या है, क्विंटल का यूनिट किसका होता है, वेट का होता है, वॉल्यूम का नहीं होता है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। अब देखिए इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर 16 है, इस डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 16 इस रिजल्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये रिजल्ट फिर से अगर क्वेश्चन रिपीट करता है तो इसका रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। द रिइंफोर्समेंट बार शुड बी टाइड विद, जो बाइंडिंग वायर है, एनिलेड विद गेज ऑफ द 60। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा बच्चों, प्रोविजन फॉर सैनिटरी वर्क इज परसेंटेज ऑन डिटेल्ड एस्टीमेट कॉस्ट इज 35%, 25%, 15% और 10%, क्या करेक्ट आंसर आएगा जल्दी से बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट, किस वर्क के लिए पूछा आपसे, सैनिटरी वर्क, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क के लिए कितना होता है हमारे पास, 10%, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 10%, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। चलिए बाकी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट्स, यहां पे अब हम लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। यस, राजा कुमार, गोविंद कुमार, राजेश, सोनी, 18 का सी सही है। एटीन का सी आंसर गलत है अंकित कुमार, क्या नाम है, सोनी कुमार, सोनी कुमारी, योर आंसर इज रॉन्ग, एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर एज परसेंटेज ऑफ द टोटल, तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान देना है यहां पे किसका पूछा है, इन्होंने बिल्डिंग का पूछा है। अब बिल्डिंग में भी हमारे पास टू टाइप्स के बिल्डिंग्स होते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पे हम आपको कुछ डाटा लिखना चाह रहे हैं, जैसे एक टेबल है, इस टेबल को आप याद रख सकते हैं, जैसे ये हो गया टाइप, ओके, ये हो गया मटेरियल कॉस्ट,
मटेरियल कॉस्ट इसमें इन परसेंटेज, और नेक्स्ट वन इज द लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इन परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो हम लोग दो तरीके की बिल्डिंग की बात करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इस टेबल को आप लिख लीजिए, हेल्प करेगा आपको एग्जाम में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। सेकेंड वन इज द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। दो तरीके का आपका बिल्डिंग होगा। तो यहां पे हमारे पास ये रहता है मटेरियल का 60-70% ऑफ द टोटल कॉस्ट, और ये हमारे पास है 65-75%। ओके, तो ये यहां पे कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 25 to, यहां पे हमारे पास होता है 25 to, ये कितना जाएगा हमारे पास 35%, और ये रिजल्ट देखते हैं हम लोग 20-30%। ये पॉइंट आपने याद रखने, ठीक है, इस रिजल्ट को आपने क्या रखना है, याद रखना है। तो इसमें हमारे पास जो आएगा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर एज परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज, तो हमारे पास कितना है 5%, 10%, 25%, 40%। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 25%। मतलब जो लेबर कॉस्ट होता है वो हम लोग कितना देते हैं, अगर घर हमारा 1,00,000 रुपए का बना है तो 25,000 हम लोग किस पे देंगे, लेबर पे खर्च करने को देंगे। चलिए क्लियर हो गया पॉइंट, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर इज परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज 25%। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रोविजन ऑफ कंटीजेंसीज इन स्मॉल प्रोजेक्ट वर्क, तो आपको पता है अभी हम लोगों ने लिखा था कंटीजेंसीज का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम लोगों ने देखा था कितना होता है, 3% to 5% होता है। कितना होता है, 3% to 5%। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए ये कैसा प्रोजेक्ट है, एक स्मॉल प्रोजेक्ट है, तो इसका 3% क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 3% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5% 20 का भी, यस यस 20 का डी सौरभ सिंह, यस बी ऑप्शन जिन्होंने लगाया है उनका आंसर गलत है। स्वाति प्रिया करेक्ट आंसर आएगा 3%। हम लोग एक स्मॉल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि एक लॉन्ग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या रखना है, इतना आपने याद रखना है। चलिए बच्चों अब जो हमारे पास कल पेपर आएगा वो है हमारे पास 2018 वाला। एक्चुअली जो हमने कल वाली क्लास में जिस पेपर को सॉल्व किया था ना बच्चों, वो 2020 वाला था, उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे। आज जो हमारे पास जिसे हम लोग कल सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास 2018 वाला। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कल आप लोगों का स्टील का आप KTP क्लासेस ऐप पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। देखिए बच्चों कोई पैसा नहीं लग रहा है, 1 रुपया लगेगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आजकल सबके मोबाइल में सबके पास पैसा रहता है, डायरेक्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हमारा का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट वो जनरेट नहीं होगा, दैट्स वाई, ठीक है। तो 1 रुपया है, आप आराम से जाकर के पे कर दीजिए। स्टील का आपको 2 टेस्ट मिलेगा, 2 टेस्ट, और स्ट्रेंथ 40 मार्क्स का होगा, समझ रहे हैं। पहला टेस्ट होगा उसमें 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप आराम से आधे घंटे में सॉल्व कर लीजिए। सेकेंड टेस्ट में कितना होगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ये भी कितने का मिलेगा, 30 मिनट्स का आपको मिलेगा, ठीक है। पूरे 12 बजे कल आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। 5 बजे 5 PM आपको क्वेश्चन का क्या होगा, डिस्कशन होगा स्टील के क्वेश्चंस का। कोशिश रहेगी कि 5 to 6 PM में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अगर 5 to 6 में कंप्लीट होता है तो सेम 6-5 पे आपको किसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आपका एस्टीमेशन कॉस्टिंग का स्टार्ट हो जाएगा। एस्टीमेशन का क्या जाएगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एज पर SBTE पैटर्न आपको क्वेश्चंस मिलेगा, SBTE पैटर्न आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, उसी तरीके के जैसे ऑब्जेक्टिव अभी तक आपने सॉल्व किए हैं। हाँ ये नहीं है कि वही क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं उन्हीं क्वेश्चनों को डाल दिया गया है, अलग क्वेश्चन है। एक का दुक्का न्यूमेरिकल भी है जहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा,
ये आपको बहुत हेल्प करेगा, समझ रहे ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो कल का हमारा हमने आपको बता दिया है कल का वर्क क्या है। कल हम लोग 5 से 6 स्टील का डिस्कशन होगा, ठीक है, और 6 से आपका एस्टिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम लोग और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रीली और यू गिव योर सजेशन विदाउट एनी हेजिटेशन। ऑब्जेक्टिव, यस, टोटल टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। देखिए, ये मान लीजिए 170 क्वेश्चन हम लोग पहले आपको सॉल्व कराए हैं, 170 क्वेश्चन को भी हमने बता देते हैं आपको, 60 क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे, 110 क्वेश्चन हमने अलग से लिए हैं, अब जो 40 क्वेश्चन है फिर से अलग आपको दिए जा रहे हैं, तो कितना क्वेश्चन हो गया, 210 क्वेश्चन आपको स्टील के मिल जाएंगे। अरे यार, 210 में से क्या हमारे 10 क्वेश्चन भी नहीं फंसेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव रहेगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहेगा सौरभ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं अटकेंगे। क्यों नहीं अटकेंगे, अरे वो लोग आकाश से थोड़ा क्वेश्चन तोड़ करके लाएंगे। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे देखिए हम लोग डिस्कशन करते हैं उस तरीके से आप डिस्कस कर लीजिए 210 क्वेश्चन को। हम बोलते हैं कि आपको पूरे पूरे क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जैसे आज हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 16-17 था जिसका आंसर 16 था, वो कैसा हमारे पास क्वेश्चन है, वो ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए और हम लोग कितना भी पढ़ा दें तो भी उसका उस क्वेश्चन को एट ए टाइम सही नहीं कर सकते हैं, और कोई भी सही नहीं कर सकता एट ए टाइम पे। अदरवाइज क्या होता, हमेशा 100% में ऑब्जेक्टिव में ऐसा रहता है। सब्जेक्टिव गेस कर के बता दीजिए। देखिए, सब्जेक्टिव गेस नहीं होते हैं कभी भी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं गोविंद कुमार। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कभी भी हम लोग गैस नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिंपल सा रहता है, आपको अगर स्टेप्स याद हैं, आपको फॉर्मूलाज याद हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन में जा सकते हैं, ठीक है ना। और प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ समझ करके कर लीजिए। हाँ, ये होगा कि जैसे 6 नंबर नहीं मिले तो 5 नंबर तो 4 नंबर तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सौरभ सिंह, सब्जेक्टिव गैस करना लिटिल बिट टफ होता है, गैस नहीं होते हैं वो क्वेश्चन। अब मैं तो आपको बोल दूंगा ऐसा ऐसा कर लो, आप ऐसा ऐसा कर लेंगे, आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने से मतलब है, जैसे अभी आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना भाई हमारे साथ, अब आपको एक पॉइंट तो क्लियर होगा ना कि ऑप्शन को कैसे हमने डिस्कशन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, जैसे यही देखिए, जैसे हमने इसी को देखा यार, बिल्डिंग में इसी क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाँ भाई रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कितना आ रहा है हमारे पास, 25-30% आ रहा है, और क्या हो सकता है हमारे पास। देखिए, मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूं, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं जो हमारे स्टील वाले सारे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे कि भाई आप प्रीवियस क्वेश्चन को सभी बच्चों को आकर के आप सॉल्व करा दीजिए। इतना मैं आपके लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूं अपने सर से, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने बहुत सारे करा दिए, गैस करके हम आपको फंसा नहीं सकते बच्चे, क्योंकि अब हमने बोल दिया कि यार ये नहीं आएगा ये आएगा, आप उसी को कर गए तो अटक जाती है बात। हम लोग उस चीज में ना विश्वास रखते हैं और ना ही हम लोग आपकी कोई उसमें हेल्प कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का एनालिसिस कब से होगा, देखिए एस्टिमेशन का सारा सब्जेक्टिव का एनालिसिस ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है। कुछ जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपको 18 तारीख तक 19 तारीख तक मिल जाएंगे, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चंस है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक भी रह जाएगा तो उसको भी हम लोग पूरा कर दे रहे हैं। रह गया टॉस का और स्टील का, वो हम आपको दोनों का करा देंगे। और जब हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का क्लास चलेगा, सॉरी हाईवे का क्लास चलेगा, उसका एट ए टाइम ही सॉल्व करा देंगे हम आपको। ओके, कोई डाउट, अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आप पूरी ईमानदारी से कल टेस्ट दीजिए। देखिए, अब टेस्ट देना आपका काम है ना। अवतार सिंह, हैप्पी लोहरी। यार मैं पटियाला में नहीं रहता, अब मैं आ गया हूं गया बिहार में। अब हम लोग गया में आ गए हैं, गया बिहार।
ठीक है, गया बिहार में है एट दिस टाइम। चलिए ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को हैप्पी लोरी, ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरा तो एक ही मानना है स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा कोई भी स्टूडेंट है, हम भी जब स्टूडेंट्स थे, सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाना। इट इज़ माई थॉट, यही सबसे बड़ा फेस्टिवल है। जब आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो फेस्टिवल्स भी आधे अधूरे से और मतलब ऐसे लगता है कि क्या आया क्या चला गया। अगर आपको सच में कुछ करना है, टॉस का एनालिसिस कर दीजिए सर, बिल्कुल हो जाएगा, टॉस की आप टेंशन मत करें, डेफिनेटली मैं कर दूंगा सर। ऑब्जेक्टिव का PDF डाल दीजिए टेलीग्राम पर, हम लोग टेलीग्राम पे कम डालते हैं, आपको हमने बोला है ऐप पे आपको जिस भी स्टूडेंट को चाहिएगा कल से हम आपको ऐप पे अवेलेबल करा देंगे, उसका लिंक भी आपको दे देंगे। 5 सब्जेक्ट का सिर्फ 50 रुपीज़ लगेगा, EPDF 1 मंथ के लिए आपके पास रहेगा। एक बार देखिए या आप 1000 बार देखिए, कोई हमारे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास है सारे क्वेश्चंस का हम आपको EPDF दे देंगे, आप आराम से देखिए 1 बार और 1000 बार। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, हम सभी ठीक है, ओके, थैंक यू अवतार। यस, आप ECP के स्टूडेंट हैं, आई नो वेरी वेल।